ये जो वीडियो आपने देखा, ये वीडियो अब से कुछ देर पहले का है। इस वक्त ये सीधी तस्वीरें आप हरियाणा के करनाल से, करनाल के नमस्ते चौक से आप देख रहे हैं, जहां पर यही वो आसपास की जगह है जहां की आपने वीडियो देखी। हरियाणा रोडवेज का एक कंडक्टर एक आदमी को पीटता हुआ, लात घूसों से मारता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस शख्स ने करनाल के नमस्ते चौक से नीलोखेड़ी जाना था, और बताया जा रहा है कि चढ़ने को लेकर ही ये सारी लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है। इनका ये कहना है कि इनकी कोई गलती नहीं थी, बल्कि इन्हीं के साथ आप देख सकते हैं किस तरीके का व्यवहार किया गया। आसपास के जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो ड्राइवर हैं, उन्होंने छुड़वाया है, उन्होंने बचाया है। बस का नंबर भी हम आपको दिखाएंगे। वैसे तो आपने वीडियो हमने आपको दिखाया, उसमें बस का नंबर भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्या आपका नाम है, कहां से कहां जा रहे थे, और ये क्या पूरा मामला है? मैम, नाम रामेश्वर दास है, गांव बुढ़े रजार, हम तो नीलोकेड़ी के पास गांव है मेरा। मैं प्लेस ऑफ सेफ्टी मधुने हाउस फादर की पोस्ट पे हूँ, और मैं यहाँ से ड्यूटी के टाइम छुट्टी होने के बाद अपने घर के लिए निकला था। डेली जाता हूँ मैम, लेकिन जब मैं यहाँ नमस्ते चौक पे उतरा बाइक से आया, तो नमस्ते चौक में बस पे चढ़ने के लिए वो तो ड्राइवर बोले, कनेक्टर बोले ये हरियाणा रोडवेज की बस थी। तो मैं चढ़ने के लिए जब भी बस में चढ़ा तो हाँ दिल्ली की तरफ से आई थी, ये नहीं पता कहाँ से आई थी। लेकिन जब मैं चढ़ने के लिए उसने मेरे को धक्का दिया, मैंने बोला भाई आपकी बस किसने मारा? कनेक्टर ने मारा, भाई ये नीलोखेड़ी नहीं जाएगी। मैं बोला हाँ, वो कह रहे हैं ये नीलोखेड़ी नहीं जाएगी। मैं बोला क्यों नहीं जाएगी, जब नीलोखेड़ी जाए किसी बात को लेकर मेरे को मारा पीटा, कम से कम मेरे को 10 मिनट मारा। और वहाँ जो आसपास के लोग थे, ऑटो वाले थे, उन मेरे को छुपाया। क्या काम करते हैं आप? मैं प्लेस ऑफ सेफ्टी मधुबन में हाउस फादर की पोस्ट पे हूँ, जुनाइल जेल में, बच्चों की जेल में। हाँ, बच्चों की जेल में काम करता हूँ। हाँ जी, 5 बजे हर रोज आना जाना है। लेकिन बस के आगे लिखा क्या हुआ था, कहाँ जानी थी आगे बस? ये भी मैंने, क्योंकि मैं दूसरी साइड में शायद चंडीगढ़ जाने के लिए बस, और हर बस नीलोखेड़ी में रुकती है, ऐसा नहीं अभी बस नहीं रुकती, नीलोखेड़ी में हर बस रुक के जाती है, नीलोखेड़ी में हर बस रुक के जाती है, जो इनका कहना है। और आप देख सकते हैं डायल 112 की टीम भी मौके पर आपको देखने को मिल रही होगी, डायल 112 की टीम। और ये बस का नंबर इतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे ऐसे कंडक्टर को, ऐसे ऐसे बस ड्राइवर को, जो कि हरियाणा रोडवेज के बस ड्राइवर है, उनको पता लग पाए कि ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, खास तौर पर सीएम सिटी करनाल में तो नहीं चलेगी, जहां पर आसपास के लोग तुरंत मीडिया को जानकारी दे देते हैं, तुरंत लोग पुलिस थाने में जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाते हैं। और ऐसे में गुंडागर्दी देखिए, सरेआम गुंडागर्दी इतनी भीड़ में। पीछे में दिखाना चाहूंगी, ये देखिए अभी भी एक अंबाला की, हरियाणा रोडवेज की बस आपको आती हुई दिखाई दे रही होगी। और ये बसें रुकती हैं? रुकती है। रुकती है सारी? कभी रुकती है? बस वो वाली तो बस रुकी नहीं रुकती है मैम, नहीं रुकती है। उसकी भी दिक्कत है? हाँ जी।
कोई रुकती है, कोई कंडक्टर ने धक्का मारा कि ये नीलोखेड़ी नहीं जाएगी, उतर जा। हाँ, ये नीलोखेड़ी जाएगी और नीलोखेड़ी जाती है प्रॉपर, नीलोखेड़ी को हर बस जाती है जो जानबूझ के नहीं। हाँ, जानबूझ के चढ़ा है मैम। और बस बिल्कुल खुल, कोई भीड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल खाली बस थी वो। हाँ, लेकिन उन्हें जानबूझ कर वो करने, पता नहीं क्या कर रहा था, दारू पी रहा था, मेरे को नहीं पता, लेकिन नशे में था जिसकी वजह से मेरे को इतना उन्हें मारा है। नशे में थे? हाँ, मुझे लगता है ड्राइवर ने भी मारा है। पहले कंडक्टर ने मारा, उसके बाद 10 मिनट उसने मारा, उसके बाद ड्राइवर आया, ड्राइवर ने फिर मारा मेरे को। चीजों से मारा, हाथों से मारा? मुक्के थे, एक नए ईंट उठा के, ये देखो कमर पे कितनी चोट लगी हुई है, ईंट उठा के, वहाँ ईंट भी अभी पड़ी है, ईंट भी कमर पे ईंट मारी। मैम उन्हीं लोगों ने छुटवाया, नहीं मेरे को मार देता हुआ, इतना मारे, देखो जी क्या कितना लगे इसमें, देखो ये देखो कितना मारे हुए मेरे को। घर वालों को बताया आपने? मैंने अभी घर का कोई सूचना नहीं दिया, घर पे नहीं बताया। प्रॉपर जाना था कहीं गांव में? निकदू के पास हुडेड़ा गांव, वहां जाता हूं। निकदू के पास गांव में जाना था, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन दी है सिर्फ। आप देख सकते हैं डायल 112 की टीम भी मौके पर, डायल 112 की टीम भी मौके पर पहुंची है, जिन्होंने ये वीडियो भी देखा है। सर वीडियो भी देख ली है आपने? जसवंत सिंह है हमारे साथ जी। जो हमारे को इस 112 पर कॉल आई, हम मौके पर पहुंचे, बस तो यहाँ से जब आप आए तब लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है? नहीं नहीं, जब बस भी जा चुकी थी, ये अकेला हमारे को भी मिला था बस की, हमने जो है ना कंट्रोल दोबारा वीटी करा दी है, अब उसको कहीं ना कहीं राउंड अप कर उसके जो खिलाफ कार्रवाई बने कार्रवाई करेंगे। अभी थाने में कंप्लेंट तो नहीं देने गए होंगे अभी? नहीं, अभी थाने में जा रहे हैं या थाने में अभी कंप्लेंट देखाएंगे। मेडिकल वगैरह भी होगा सर? हाँ, मेडिकल भी कराया जाएगा, मेडिकल भी जो चोट लगी होगा मेडिकल कराया। पहले भी कभी ऐसी गुंडागर्दी देखी है सर आपने? आपकी तो काफ़ी गश्त रहती है इधर। नहीं, वैसे मारपीट का तो नहीं, बाकी बसें तो थोड़ी कम रुकती है और मारपीट तो ना रुकना एक अलग चीज़ है, लेकिन ड्राइवर कंडक्टर उतर उतर के मारेंगे तो अगर सवारियों नहीं, ये गलत बात है, सवारियों को मारना तो ड्राइवर, ये गलत बात है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये गलत बात है और चाहे ड्राइवर हो कंडक्टर हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा, पता लगाया जाएगा कि कौन सी बस है इस वक्त कहाँ पर पहुँच गई है। और अपने आप में एक बड़ी बात ये देखने को मिली है कि सवारियाँ बहुत सारी हैं जो यहाँ से बाईपास की तरफ से रोजाना चढ़ती हैं अपने जॉब के बाद, काम के बाद, स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद, लेकिन ऐसे में कंडक्टर उठ के धक्का मारेंगे बस से कोई गिर जाए, किसी का सर फट जाए, किसी की जान चली जाए, तो कौन इसका जिम्मेदार है? मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। डायल 112 के साथ ही शख्स अब थाने में जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और वहां पर यह कंप्लेंट दर्ज होगी। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।